नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर यानी कि रोहित शर्मा की प्रतिक्रिया कि आखिर इंदौर टेस्ट में केएल राहुल और शुभमन गिल में से आखिर खेलेगा कौन, तो वो प्रतिक्रिया मैं आपको सीधा सुनाऊंगा बिना ज्यादा समय व्यर्थ किए हुए आपका, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प आंसर दिया है रोहित शर्मा ने। पूरा आंसर सुनिए, 1.5-2 मिनट बोले हैं तो मैं चुप रहूंगा, रोहित शर्मा बोलेंगे, आपको अगर दिखाई दे अच्छी बात है, मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, सुनिए ध्यान से। As far as KL Rahul is concerned, yeah, look, I mean, I said it after the last game as well that when we talk about players going through a tough time, anyone with potential given will be given you know enough time to prove themselves. And being vice captain or being not vice captain doesn't actually tell you anything, you know. At that point in time when he was the vice captain, he was probably the senior most, and his removal of vice captaincy doesn't indicate anything. As far as Gill and KL both are concerned, I mean, that is how they train, that is how they practice before any game. Today was an optional training session for the entire group, and players would decide to come. They decide to come, you know. So the other guys like Surya, Ishan are also there. So all 17, 18 are in reckoning. It's not just about Gill or someone else, but all the players who are there, available, fit and fine, are all in reckoning. But I mean, as far as our 11 is concerned, we've not yet finalized on it. You know, I would like to do it at the toss, and I prefer it to be announced at that point in time, because last minute injuries and all those things happen. So we will keep it little interesting for you guys as well. तो ये पूरा जवाब था रोहित शर्मा का। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखना चाहता हूं, तो अंत तक जो है मैं नहीं बताऊंगा, जब मैं टॉस उछलेगा तभी मैं टीम बताऊंगा, उससे पहले मैं भी प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं करना चाहता हूं। और आप लोग भी इंजॉय करें, आप लोग भी इंटरेस्ट बनाए रखें। अब ये गिल पुजारा है या गिल राहुल है या कोई और है, मैं इस पर नाम नहीं लेना चाहता। देखिए, सारे 17-18 लोग जितने भी है टीम में, स्क्वाड में, वो सब रेकनिंग में है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे वो ईशान किशन हो। आप क्यों इन दोनों को ही बार बार बोलते हैं? क्योंकि इसलिए रोहित, क्योंकि आप ये झूठ बोल रहे हैं, कोई रेकनिंग में नहीं है। एनीवे, द पॉइंट इज कि ये रोहित शर्मा का जवाब था, और उन्होंने कहा कि देखिए, लास्ट मिनट इंजरीज हो सकती है किसी को। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं गिल इंजर्ड तो नहीं होने वाले, माफ कीजिएगा, बट देखिए, मजे करते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ये जितने भी प्लेयर्स हैं वो रेकनिंग में हैं, और रोहित कह रहे हैं देखिए, वाइस कैप्टन का टैग लगा हुआ है, वो चाहे ना लगा हुआ हो, जब वो वाइस कैप्टन थे केएल राहुल तो वो प्रॉबेबली सबसे सीनियर थे। बिल्कुल भी नहीं, चेतेश्वर पुजारा सबसे सीनियर है, चेतेश्वर पुजारा इज सीनियर देन एवरीबडी, इनफैक्ट इवन विराट कोहली उससे भी ज्यादा सीनियर है वो, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए। एनीवे, द पॉइंट इज कि कौन खेलेगा, गिल या फिर केएल राहुल? तो देखिए, जब आंकड़ों की हम बात करते हैं तो हमने आंकड़े ये सारे आपको दिखाए हैं कि सीरीज में तो पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं, पिछले 12 महीने में 13.5, 2022 से 15.90, मोहम्मद शमी जैसे जो खिलाड़ी हैं उनकी भी औसत जो है वो केएल राहुल से बढ़िया है, और ये उनका करियर ग्राफ रहा है, यानी कि 47 मैच में, टेस्ट मैचेस में 33 की औसत। और इसी में जब आप शुभमन गिल को देखते हैं तो उनकी औसत भले कम हो, लेकिन पिछले ही सीरीज में उन्होंने शतक लगाया, तो ही इज इन रेड हॉट फॉर्म। 3 शतक 4 शतक उन्होंने लगा दिए हैं, T20 में शतक लगा दिया, दोहरा शतक लगा दिया वनडे फॉर्मेट में, और शतकों की बारिश कर रहे हैं। तो शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को आप बाहर बिठाएंगे, ये थोड़ा सा सवालिया निशान जरूर पैदा करता है। और यहां पर भी अगर आप देखें तो ये उनके आंकड़े हैं पिछले कुछ समय में। तो ऐसे में क्या सही फैसला होगा? अब ये तो आपने सुन लिया रोहित शर्मा का क्या कहना है। रोहित ने साफ कर दिया है दोस्त कि मैं आप लोगों के लिए रोमांच बनाए रखूंगा, तो हमारे लिए कंटेंट मिलता रहेगा भाई।
रोहित शर्मा ने कह दिया, तो रोहित शर्मा ने अब अलाउ कर दिया, अब कोई मुझे ना बोले कि केएल राहुल पर सर क्यों पीछे पड़े हो, क्यों विराट कोहली पर क्यों नहीं, क्यों पुजारा पर क्यों नहीं, तो ये सवाल अब मत पूछिएगा। रोहित शर्मा कह रहे हैं आराम से तसल्ली से, मैं खुद इंटरेस्ट बनाए रखूंगा, लास्ट मिनट इंजरीज हो सकती है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं, क्या रोहित शर्मा का ये बयान एक तरफ टिल्ट कर रहा है, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी वाइस कैप्टन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर शुभमन गिल इंदौर टेस्ट खेलने जा रहे हैं, लकीर खिंच चुकी है, केएल राहुल अब उस लकीर के पीछे है। आपकी क्या राय है आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।